स्टूडेंट्स, आज से आपका जीके का वर्क स्टार्ट हो रहा है। आपकी जीके की बुक अवेलेबल है मेरे पास। आज से मैं आपको जीके का वर्क कराऊंगी। अभी तक आपका रिवीजन हो रहा था, रिवीजन वर्क करा रहे थे। अब बुक अवेलेबल हो गई है तो बुक से वर्क होगा। आज से आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन क्लास में। तो आपकी जो जीके की बुक है वो आपकी जो पहले चलती थी वही चलेगी, ठीक है। तो आप उसको परचेस कर लें, स्कूल के पास जो शॉप है आप वहाँ से इसको परचेज करेंगे। जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स परचेज कर लीजिए जिससे आप अपना वर्क स्टार्ट कर सकें। तो आज जीके में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताऊंगी। फर्स्ट चैप्टर है वाइल्ड एनिमल्स, मतलब जंगली जानवर। जो जंगलों में रहते हैं उन्हें हम जंगली जानवर कहते हैं, यानी कि वाइल्ड एनिमल्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, मतलब ये जो पिक्चर है इनको देखिए और इनके नेम यहाँ मेंशन करिए बुक में। यहाँ पे ये कॉलम दिया है, इस बुक में, इस कॉलम में आपको इनके नेम मेंशन करने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो आपकी इस पे पिक दी हुई है वो किसकी है, डियर। ये कौन है, डियर। देखिए यहाँ पे क्लू बॉक्स दिया है, क्लू बॉक्स में ये सारी जो यहाँ पे जितने भी जो एनिमल्स दिए हैं उनकी स्पेलिंग्स या मीनिंग्स यहाँ पे दी हुई हैं। आप देखेंगे पहली किसकी पिक है वो आप इसमें ढूंढ सकते हैं। तो पहली है डियर, तो डियर इसमें कहाँ लिखा है, ये थर्ड नंबर पे लिखा है डियर, तो DEER, डियर। उसके बाद दूसरी स्पेलिंग है आपकी पोलर बियर, तो पोलर बियर देखिए यहाँ पे ये दी है तो आप इसमें से देख के यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। जेब्रा, थर्ड नंबर पे जेब्रा की है तो जेब्रा की स्पेलिंग ये दी हुई है। फोर्थ नंबर पे जिराफ, तो जिराफ की स्पेलिंग ये दी हुई है। फिफ्थ नंबर पे टाइगर, टाइगर की ये दी हुई है। सिक्स नंबर पे डायनोसेरोस, डायनोसेरोस की ये दी हुई है। सेवन्थ नंबर पे है लॉइन, तो लॉइन की स्पेलिंग ये दी हुई है। एट नंबर पे है लिंक्स, ये लिंक्स, ये रही स्पेलिंग इसकी, आप यहाँ फिल करेंगे। नाइन नंबर पे एलिफेंट, एलिफेंट की स्पेलिंग ये दी हुई है तो आप यहाँ फिल करेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये चैप्टर समझाया, आपको वाइल्ड एनिमल समझ में आ गए। अब आपको इसमें जो स्पेलिंग है करेक्ट स्पेलिंग फिल करेंगे और उनको लर्न भी करेंगे। ओके, थैंक यू।